इंटरनेशनल सर्वे में भारत टॉप पोजीशन पे। विच कंट्रीज रीड द मोस्ट, सबसे ज्यादा बुक रीडिंग या रीडिंग करती हैं, और इसमें पहले नंबर पर इंडिया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड कंट्री इंडिया है। तो जनाब ये है बात है पढ़ने की, नॉलेज की, और यही हम देख रहे हैं कि इंडिया का यूथ किस तरीके से आगे गया है। सारे सीक्रेट है और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था, एक एक कंट्री को, एक कॉम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, और एंड द इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज़ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स दुबई में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के सऊदीया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में होके आए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी को वो हमेशा लोअर लेवल पर रखते हैं। अब पाकिस्तान की हम बात करें तो वो तो कहीं पर है ही नहीं, वो है, हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो किताब का शायद कभी जो हुआ भी करता था वो भी अब खत्म हो चुका है। किताब मेले बहुत होते हैं वैसे। मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं। इंडिया चाइना को बीट कर चुका है, सऊदी अरेबिया आता है जनाब फिर इस लिस्ट में, जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ने पर, बड़ी बात है। इंडियंस वहाँ स्कूल बना रहे हैं। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन है इंडिया की वो प्रमोट की जा रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत से अलग होने के बाद से ही हमेशा अपने आप को भारत से कंपेयर करने की कोशिश की, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी कि भारत के साथ कंपेयर में पाकिस्तान ने अपने धर्म का तड़का मिलाया, जिसके कारण पाकिस्तानी रियलिटी को छोड़ करके जो वास्तविकता है, जो दुनिया की हकीकत है, उसको छोड़ करके एक फैंटेसी की दुनिया में रहने लगे और दुनियादारी की हर बात को ऊपर वाले से एसोसिएट करके पाकिस्तान ने अपने लोगों को एक ऐसे राह पे डाल दिया जहाँ पे पाकिस्तानी एजुकेशन से दूर हो गए और उनके ख्वाबों ख्वालों में वही 1400 साल पुरानी दुनिया का ख्वाब दिखने लगा। और उस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में पाकिस्तानी न सिर्फ भारत को अपना दुश्मन मानने लगे, बल्कि इसी के साथ साथ उनके दिमाग में हर वक्त यही रहने लगा कि किस तरह से भारत को नीचा दिखाना है, भारत से कैसे जीतना है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पॉजिटिव आपकी कंपटीशन हो तब तो आपकी ग्रोथ होता है, लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव और कंपटीशन भी नेगेटिव हो तो आपका डाउनफॉल ही होता। और यही हाल आज पाकिस्तान के साथ हुआ है, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान इकोनॉमिकली बल्कि सोच से भी बैंकरप्ट हो गया है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल की गई हैं जो कि सबसे ज्यादा बुक रीडिंग या रीडिंग करती हैं। विच कंट्रीज रीड द मोस्ट, और इसमें पहले नंबर पर इंडिया, पर वीक 10 घंटे से ज्यादा इंडियंस अपना टाइम गुजारते हैं पढ़ने में, चाहे वो न्यूज़पेपर रीडिंग हो, बुक रीडिंग हो, ऑनलाइन कोई किताब पढ़ी जा रही हो या इसमें मैगजीन्स पढ़े जा रहे हों। अब आप ये देखिए चाइना तीसरे नंबर पर है। देखिए ना, सुपर पावर्स की दौड़ में चाइना कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है। इंडिया ने तो अभी चाइना को बीट करना है, लेकिन रीडिंग में इंडिया चाइना को बीट कर चुका है। सऊदी अरेबिया आता है जनाब फिर इस लिस्ट में, ऊपर के चंद मुल्कों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ने पर, बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि शायद यही वजह है जिस वजह से अब हम देख रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स करते हुए कितनी आगे निकल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की कुछ बातें तवज्जो के लायक है भाई, तारीफ के काबिल हैं भाई। सऊदी अरेबिया, वरना बद्दुओं के मुताबिक ये कहा जाता था कि ये कहाँ किताब, और वो उनके मुताबिक नहीं सोचा, उनके कुछ और शौक होते हैं, वो ऊँट की दौड़ उनका शौक है और है, और ऊँटों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया अपने ऊँट के ऊपर लगाते हैं वो। अब पाकिस्तान की हम बात करें तो वो तो कहीं पर है ही नहीं, वो है, हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो किताब का शायद कभी जो हुआ भी करता था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। किताब मेले बहुत होते हैं वैसे, लिटरेरी फेस्टिवल बहुत होते हैं, और इन्हीं लिटरेरी फेस्टिवल्स जो अब कुछ सालों से स्टार्ट हुए हुए हैं उसमें बड़ी डिबेट्स होती हैं, वो सवाल करने का जो अभी कुछ है मामला वो उन्हीं की वजह से कायम और दायम है। कुछ और पुरानी अनारकली में आपको थड़े पर ज़मीन पर बैठे हुए ऐसे जो मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन कल्चर नहीं है। एक पार्टी हाउस जो है जो कि ज़ियादौर में बंद हो गया था मॉल रोड पर, वो मौजूद है अभी भी, आवा पुराने स्टाइल का। वहाँ पे वो थे जो फैज़ अहमद फैज़ से लेकर अहमद फराज तक, तमाम जो 1947 के बाद से लेकर 70s दौर तक जो लोग वहाँ पर बैठा करते थे, डिक्टेटरशिप से पहले जब तक सब कुछ बंद नहीं हो गया था, लाहौर तो गढ़ होता था ना अदब का, तो वहाँ पर आकर बैठा करते थे। तो फिर वो एक जगह ऐसी है कि उनकी यादगार है वो।
उसको फिर खोला गया, उसके बाद दोबारा से उसको रेनोवेट किया गया, लेकिन वो भी बहुत कम हो गया कल्चर। तो जिना लाइब्रेरी है एक और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। तो ये है सूरत हाल, और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी कंट्री या किसी भी कल्चर की डाउनफॉल का एक बड़ा जो फैक्टर है वो ये होता है कि आप किताब से जो है पीछे चले जाए। अच्छा, इसके अंदर अब एक नई सोच जो है वो इमर्ज हुई है, और वो ये है कि अब किताब का कोई काम नहीं रहा, किताब निकल चुकी है, उसकी ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, उसमें आप ये कह सकते हैं इस वजह से कि वो अब आपके लैपटॉप पर आ गई है, अब आपके मोबाइल पर आ गई है, तो अब आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें किताब का जो एक होता था नशा या किताब का एक फैंटेसाइज जो किया जाता था, किताब का जो रोमांस एक हुआ करता था, तो वो ख़त्म हो गया। अब तो देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो कुछ कंट्रीज जिन्होंने अभी तक ये असासा संभाल के रखा है उसमें इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन आप ये देखें कि आप इसको कायम रखते हुए भी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बल्कि ये कोई कुछ भी आप पढ़ेंगे तो रीडिंग का है ना, मोस्ट रीडिंग का, बुक रीडिंग का नहीं है ये। तो बुक रीडिंग वाकई जो है वो तो ऑलमोस्ट खत्म होती चली जा रही है, वो अपने डिजिटल उस पर ही पढ़ाएंगे, एक जनरेशन ऐसी भी आने वाली है। तो जनाब ये है, बात है पढ़ने की, नॉलेज की। तो नॉलेज अगर आपके पास है तो आप सब कुछ है, और यही हम देख रहे हैं कि इंडिया का यूथ किस तरीके से आगे गया है, वो नॉलेज के बिना पर गया है। तो इसीलिए तो देखें ना कहाँ जा रहे हैं, बहुत पीछे से उठकर अब वो उठते हुए आ गए यहाँ पर, उसमें ये भी फैक्टर यकीनन शामिल होगा। क्या वजह है सर, हम एक तरफ देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ में गया तो फिर वो चला ही गया, क्या वजह है, ये क्या हुआ कि एक कहाँ पर और एक कहाँ पर? अगर आप 1990 की पाकिस्तान की कंपैरिजन करें इंडिया के साथ 1990, तो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन इंडिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, तकरीबन एक ही शक्ल थी। उसमें अगर आप मनमोहन सिंह की वो स्पीच सुने जो कि उन्होंने बजट पे खड़े होकर की थी, वो तकरीबन वही पोजीशन थी, पावर सेक्टर ये वो सब यही सारी चीज थी। और वो टाइम था जब इंडिया ने अपना सोना स्विट्जरलैंड ट्रांसफर किया था लोन लेने के लिए। तो 90 से लेकर 2024 तक 30 साल हो गए, ये 30 साल जो है ये पाकिस्तान की तबाही की तारीख है। सर, तबाही किसने की, क्यों की 30 सालों में? ये 30 सालों में तबाही इसलिए की कि जो मईशत थी वो दुकानदार चला रहे थे, उसकी पॉलिसी क्या थी, उसकी पॉलिसी ये थी कि दुबई को फॉलो कर लो, यही पॉलिसी थी ना, कि जिस तरह दुबई में हो रहा है पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहा है, डॉलर जा रहा है, चाइना से सामान मंगाओ, एसी मंगाओ, गाड़ियां मंगाओ, बेचो खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाओ, प्लाजा बना दो, माल बना दो, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाओ, इंस्टीट्यूशन को खड़ा नहीं करो। आपने 30 साल ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग करके सारे पैसे बाहर ट्रांसफर हो गए और मुल्क दिवालिया हो गया।